क्लास 10 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमें गिवन है, हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमें वो नंबर बताने हैं जो डिविजिबल बाय 7 हो जाएंगे, जो स्टार्ट होते हैं 3-डिजिट से। तो 3-डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 100। तो हमें 100 के बाद से देखना है कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर डिवाइड होगा वो होगा 105, जो सेकंड नंबर डिवाइड होगा वो होगा 112, थर्ड नंबर जो होगा 119। ऐसे हमें अब लास्ट 3-डिजिट नंबर भी देखना है। तो लास्ट 3-डिजिट नंबर कौन सा होगा? लास्ट 3-डिजिट नंबर होता है 9999। ठीक है, तो लास्ट 999 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो उससे 9988 वो भी डिवाइड नहीं होता, 9997 वो भी डिवाइड नहीं होता, 9996 वो भी डिवाइड नहीं होता। तो डिवाइड नंबर होता कौन सा है? 994, जो हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कितने नंबर 3-डिजिट नंबर में से कितने नंबर डिविजिबल बाय 7 हो जाएंगे। तो मतलब हमें क्या निकालना है? हमें n निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। an हमें कितना गिवन है? 994, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास यही है। a हमारे पास कितना गिवन है? 105। d हमारे पास कितना गिवन है? 112 में से 105 गए तो आ जाएगा 7। d हमारे पास कितना आ गया? 7। an मतलब लास्ट नंबर, लास्ट नंबर हमें हमारा क्या आया? 994। तो an इक्वल टू 994। a की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 105 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है? 7। ये इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का। 994 में से 105 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 889। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। एन माइनस वन का एन माइनस वन। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 127 इक्वल टू एन माइनस वन। ये इधर माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 128 थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया।